अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्ने हसन सलवातो का अलैहि व अला आबाईहि फी हाज़िही साअते व फी कुल्ले साअ मिन साअत लैल व नहार वलीजुम व हाफिज़ुम व कायदुम व नासिरुम व दलीलुम व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमतियहु फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। सलवात पढ़ो आले मुहम्मद पाक। यकीनन थाकू थकान भी है मजलिस दी सुबह दी सफे आजाद तशरीफ फरमा ही वे ते बड़ी तहजीब और बड़ी शाइस्तगी दे नाल आले मुहम्मद जिक्र समात करें पाए। मैं भाई गुलाम अब्बास दे हुक्म दी तामील करें दे हुए ते भाई मोमिन खान साहब होना मैं को हुक्म दिता है जितना वक्त मैं बड़ी उजलत बड़ी तेजी दे नाल बर्क रफ्तारी दे नाल आले मुहम्मद दा सुना जी में जिक्र करके जनाब दी जहमत तमाम करें। मेरे बाद जाकरीन दी कहकशां मेंबर ते मौजूद हैं बाबे खुदा बशाह साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे बड़े बख्तावर और जाकरी बाजम दा एक मोतबर हवाला मौला उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमावे। उन्हां दा एक पूरा एक खानदान है साई तैब तुघेन के सैयद इरफान कैसर बुखारी मौला इन्हां दी जुबान बयान मार्फत इज्जत वकार और तुम तराक दे विच इजाफा फरमावे। इजाजत दे देवे थोड़े बच गए ही वे तो मैं इवें थोड़ा थोड़ा थोकू इवें ज्यादा जहमत ना रहा जितना तुसा मेरे को बर्दाश्त करे सो तो ये हाथ छोड़ पाओ मैं थोकू इवें दू चार इवें शेर च छोड़वा ला। भाई हबीब सरदार फैसल खान पहला मिसरा जनाब दी हसीन समाता दी नजर पिया करे मौला थोड़े वाले दे दर्जात बुलंद फरमावे। भाई वकास मैं कह वो जिसके घर में क्योंकि मैं काफ़ी देर दा मेंबर ते मौजूद हाँ और मैं देदा रह गया महसूस करेंदा रह गया जाकरीन इवें उलझदे रह गए थुआरे नाल ते तुसा इवें परेशान थे बैठे हुए मैं थुआरी परेशानी को खत्म करन कीते थुआरी तालीफ कल्ब को खत्म करन कीते इवें चंद शेर पढ़दा और शेर इवें विलायत ते पढ़दा हाँ कर जा शाह साहब। और ये तो अस खुश नसीब लोग हैं शायर ता पैदा थी दे राय वेंदे हैं ते मैं चाहता विलायत वाले शहर बहु घाटे ते मैं विलायत थोड़ा जिया प्रचार करा चा बस्ती चांद आलो बिस्मिल्ला। वो जिसके घर में मैं आधा के सारे डीही दी थकान यो हिको मिसरा न खा वे तो सफदर करबलाई बतूल दे दरवाजे ते झुके ही नहीं। मैं के वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता सारा मजमा इबादत शामिल थी सी तो मैं दूजे मिसरे दी झा बना के मिसरा थारी समाता दी नजर करे सा ओ जेंदा भी घर है सफदर करबला कू दे नाल कोई सरोकार नहीं चाहे वो सैयद का घर है चाहे वो पीर इरफान शाह जी बलोच का घर है। मैं के वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता अगला बंदा जेड़ा अगले मिसरे ते ना अलाना शिया न मने सा अगर अकीदा अलावी तो सफदर करबलाई नाल अलावे चा। मैं के वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। बोलो जिन्हें को अलावण दरा आता है भाई ई जन्नत बन दिया हिन मजल सा ए सारे इबादत शामिल दियो बहेदरी तुसा जीवो ए हद सलामत राफे ए में आर सलामत राफे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बड़ी मोहब्बत है भाई बड़ी खुश अकीदगी है सही मैं तो दुआ कर सकता मौला खुश अकीदगी सलामत राफे ए शाह साहब शहजाद शाह जी ए मेयार सलामत राफे। मैं के वो जिसके तवज्जो मेरे आले पासे रहे
इमाम हुसैन अलैहि सलाम दे ढेर सारे जाकिर मौजूद हैं ते बाबा जरगाम शाह साहब उन्होंने भी तशरीफ गिना है सारे बुजुर्ग भी हैं सारे मेहमान भी हैं मैं उन्हां दा भी वक्त बचावा ते शाह साहब उन्होंने बैठे हैं फखर अब्बास भी बैठा है ताहिर अब्बास ब्रोखा साहब तुसा भी बैठे ही वे मौला थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे बाबे उन्हें को छा दे ताकि मैं मिस्रे की छा बनावा मैं वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता जी अल्लाह रंग वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता होले होले मिस्रा पढ़ता पिया वो अपने बाप का होता है पीर सलीम शाह जी वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता एहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी मजलिस एहे सफे अजा ते ई सफे अजा ते तैं बांभणा कीवें है मासूमीन ते को बांभण दा सलीका भी सिखाया है मैं शेर पिया पढ़दा ई झा दी अजमत दसैंदा पिया जो ए झा कितनी अजमत दी मालिक है मैं कह वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता तू कितना बोले से तू दाद दे दे थक पो सफदर करबलाई दी दाद पूरी नहीं थी दी मैं कह ये जा नमाज़े विला है ना 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 ये ते सारा मजमा इबादत शामिल न थी ओ ते मिसरा न पढ़सा मैं कह वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता ये जा नमाज़े विला है सकून से बैठो क्यों इधर उधर का तमाशा इधर नहीं होता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा भाई हैदरी मिल गए भाई तुसे सलामत हो जी बिस्मिल्लाह सही सुभान अल्लाह सही बाबे दे दर्जात बुलंद हो अच्छा भाईजान मैं वला पढ़दा ऐसा सही बिस्मिल्लाह मैं वला पढ़दा वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता वसीम शाह जी दुआ करें दे रवाए वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता ये जा नमाज़े विला है सुकून से बैठो शायरी दे विच होंदे ने इशारे शायरी ना है रमज दा शायरी ना है इशारे दा शायरी जो सब कुछ खोल के मैं दस देवा बस शेर ते नसर दे विच फर्क ते न रिया समझना ते आप है ये जा नमाज़े विला है सकून से बैठो इधर उधर का तमाशा इधर नहीं होता पीर इरफान शाह जी लोगों को वहम खाधी वेंदे जो असा अली को बधाई वेंदे हैं कुछ लोगों का ख्याल है जो असा अली को घटेंदे पे हैं अली अपना मकाम अजबत आपकी में दसी है शेर ते पूरी तवज्जो अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में वगरना तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता जरा हूं तो ही नहीं हलाना होती अपनी किस्मत भाई सुभान अल्लाह कदा हो गया भाई जान मिल गए भाई हैदरी सलीम शाह जी थोड़ी क्या बात है सही इतना थका होया मजमा उसके बावजूद भी इतनी दाद ये मेरे वास्ते एजाज है मौला थोक सलामत रखे वो जिसके घर में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता ये जा नमाज़े विला है सुकून से बैठो इधर उधर का तमाशा इधर नहीं होता अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में वगरना तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता मेरा दिल चांदा पिया है ते मैं वत इरादा अपना तब्दील चकीते जो उर्दू को इथाई तमाम चकरा ते सरेकी दे दू शेर सुना के तो को सलाम चकर लेकिन तुस उर्दू इतनी खूबसूरत सुन दे पाए वे मेरा दिल है मेरे अकीदे दा शेर मैं पढ़ना चाहना अली अली लहद में जैदी कबर दे विच अली अलामने वो बंदा चुप ना रहा से मैं पूरी जिंदगी अकीदा लिखे ते अकीदत मंदा दे विच पढ़ा है वो जे जा नमाज़े विला है सकून से बैठो इधर उधर का तमाशा इधर नहीं होता अली लहद में
मेरे साथ साथ चलते हैं। क्यों? अली को इल्म है तनहा सफर नहीं होता। सही मेहरबानी। अली को इल्म है, भाई मुरीद अब्बास शहजाद शाह जी, अली को इल्म है, अली को इल्म है तनहा सफर नहीं होता। अली को इल्म है तनहा सफर। एक सलाम सरा की दबिया पढ़ा चाह जो थोक सलाम चकरा तुस जुड़ तो गए ही वे। चलो मैं चाहता कजूसी न करा, इतना सुना जो समात करें दे पही वे। मैं एक सलाम भी अभी पढ़ देना, हालांकि वक्त को नहीं। भाई गुलाम अब्बास दी पता नहीं फहरिस्त जाकरीन आली तैयार थई है या हाले तक को नहीं थई। हो गई है सही। और सलाम एक शेर पढ़ा चाहिए तो सलाम च करा। खुद अपने दामन को जाल गई है। अल्लाह अकबर। भाई गाल ए है सरदार फैसल खान पिन्नी मंगी हुई दाद सफदर करबले करे खिदी ने, ठीक है ना सही। अगर दाद ए ए ई दिल चो निकले ना तब बात अला, बाकी छुट्टी है। जलसा मुकम्मल थी के भाई गुलाम अब्बास दा जाकरीन भी बैठे इन बाबे होना भी तशरीफ घेना है। मैं अदा पिया शेर ते अगर दाद देवण ते दिल बण मनी तो मैं एक सलाम पढ़दा सिर्फ त्रै या चार शेर, उस तो बाद दुआ ते इजाजत। मैं का खुद अपने दामन को जाल गई है, हवा चरागा को बाल गई है। बोलो यार जिन्हें को अला मरता रहा पिछले भी भाई बात शामिल थी वो थके न सुन वाला दे नाते भाई। सुबहान अल्लाह खुद अपने यार हवा दा कम पीर इरफान शाह जी बुछावण है। बेशक बेशक। मैं कच्छी दे बजुर्गां दी बाबे सैयद अली शाह साहब दा कलाम मैं इकट्ठा कीता, अपना सुल्तान उज़ाकरीन बाबा सैयद अली शाह नजर हुसैन तुर्क गुलाम सिकंदर खान गुलाम साई उन्होंने परदादा गुलाम हसन शाह तैयब साहब का कलाम मैं सनाए मजहर अल अजायब के नाम इकट्ठा किया। वजह सिर्फ ये दसना नहीं जो मैं को अपना अदबी मियार बुलंद पिया करें ना, बस सिर्फ और सिर्फ जी बिस्मिल्लाह सिर्फ और सिर्फ इन्हों बुजुर्गों की दुआ गिनन वास्ते और ऊ दुआ का असर मेरे कलाम दे भी जरूर तक नजर आसी। मैं का खुद अपने दामन को जाल गई है दुआ पिया देंदा ही मी, खुद अपने दामन को जाल गई है हवा चरागा को बाल गई है। फतवे दी जात दी सफदर करबला आवना है तू बेनियाज थी के दाद दे, हवा चरागा को बाल गई है। खुदा को खतरा करबला विच बतूल खतरे को टाल गई है। अल्लाह अकबर। जड़ा नहीं बाधा ते शामिल थी मजले सिचाए ही नहीं यार। बिस्मिल्लाह मकबूल खान साहब सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। खुद अपने दामन को जाल गई है, हवा चरागा को बाल गई है। खुदा को खतरा करबला विच बतूल खतरे को टाल गई है। वतन ते खड़ के इतनी दाद घिनना सौखा काम नहीं। ए तेरी मोहब्बत है, ए मेरा एजाज है, ए आले मोहम्मद के दरवाजे तो पिनी और खैरात है। खुदा को खतरा करबला विच मिंबर छुड़े दा पिया हमी ते मैं आके चलो एक शेर बिया भी पढ़ा चा। खुदा को खतरा करबला विच बतूल खतरे को टाल गई है। भाई गुलाम अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा बड़ा इज्जता वाला मदा खान है। बड़े थोड़े जे वक्त दे विच तुसा एक जाकरी सफर तय किया है। आज दी ई मजलिस दा कीमती ते जुग शेर पिया पढ़दा है। खुदा को खतरा करबला विच बतूल खतरे को टाल गई है। ए पानी खाके शिफा तो घाट नहीं, क्यों जो फिजा बर्तन अघाल गई है। आले मोहम्मद सलामत।